Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing issues and topics over educational philosophy, in which I have already discussed idealism, naturalism, and this time I am going to discuss pragmatism, that is Prayojanvad ya Vyavaharvad. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all. तो लेट स्टार्ट प्रैग्मेटिज्म. हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक दर्शनों की, जिसमें से हम लोगों ने प्रकृतिवाद और आदर्शवाद पर बात कर ली है, और आज इस वक्त बात होगी प्रयोजनवाद पे. कहीं कहीं यह व्यवहारवाद के नाम से भी जानी जाती है, और बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये फिलोसफी सुनने में, और रीसेंट भी है. तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? स्कूल ऑफ फिलोसफी है, डोमिनेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द यूजफुलनेस, वर्केबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी. देखिए कितनी सारी बातें इतनी चीज में हो गई कि ये एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है, मतलब दर्शन की एक शाखा है. यूनाइटेड स्टेट्स में ये डोमिनेंट रही, वहीं इसका उद्भव हुआ है. कब हुई? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी में, यानी कि पहला जो 1/4 ऑफ 20th सेंचुरी में इसकी स्टार्ट हुआ है, मतलब 19 समथिंग में. और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे बेस्ड है? यूजफुलनेस, सबसे खास बात कि काम का होना चाहिए, काम हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए. वर्केबिलिटी, उसकी कोई वर्क, उसकी कोई मतलब उसकी कोई वर्थ होनी चाहिए हमारे लिए, और हमारे लिए प्रायोगिक, मतलब ऐसा प्रैक्टिकल हो. ये नहीं कि बस थियोरेटिकल हमारे किसी काम का नहीं आ रहा है, कहीं पड़ा हुआ है, ऐसी चीज नहीं. वर्केबिलिटी, हमारे काम आए, हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे प्रैक्टिकल उपयोग की हो. ऑफ आइडियाज, मतलब वही आइडिया जो यूजफुल हो, वर्केबल हो और प्रैक्टिकल हो, वही पॉलिसी, वही प्रपोजल, आर द क्राइटेरिया ऑफ द मेरिट. यानी कि कोई आइडिया, पॉलिसी या प्रपोजल की मेरिट किस पर निर्धारित होगी? कि वो यूजफुल है कि नहीं, वर्केबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं. समझ में आ रही बात? इट स्ट्रेसेस द प्रायोरिटी ऑफ एक्शन ओवर डॉक्ट्रीन, एक्सपीरियंस ओवर फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, एंड इट होल्ड्स दैट आइडियाज बोरो देयर मीनिंग्स फ्रॉम देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड देयर ट्रूथ्स फ्रॉम देयर वेरिफिकेशन. मतलब क्या समझ में आया? कि किसको महत्ता है? सिद्धांत को महत्ता नहीं है, कार्य को महत्ता है. फिक्स्ड प्रिंसिपल को महत्ता नहीं है, एक्सपीरियंस को महत्ता है. और कहां से इसने बोरो किया है, उधार लिया है? कि जो मीनिंग्स फ्रॉम देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो परिणाम निकल के आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रुथ कैसे पता चलेगा? कि उसके वेरिफिकेशन, अगर वेरीफाई हो गया तो ट्रुथ है. दस आइडियाज आर एसेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लान्स ऑफ एक्शन. तो इनके हिसाब से विचार क्या है? Essentially instruments and plans of action, मतलब जो जिन पर काम किया जा सके. तो कुल मिलाकर मोटा मोटा मोटी बात हमको क्या समझ में आ रही, और एक खास बात कि ये idealism के विरोध में आई. idealism क्या कहता था? वो end of the life की बात करता है, एकदम extreme goodness की बात करता है, ये सब करता है, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जिया जाए उसके लिए idealism कुछ नहीं बताता है. उसके विरोध में आई, तो pragmatism end of the life की बात नहीं करता, वो कहता है कि नहीं, हमको जीना है, उसके लिए फिलोसफी चाहिए, उसके लिए बताइए. तो जीने के लिए हमको क्या चाहिए? यूजफुलनेस, वर्केबिलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी. समझ में आ रही बात? तो इनके लिए कौन सा आइडिया अच्छा है? जो हमारे लिए प्रभावी हो, जो हमारे लिए कार्य कार्यकारी हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, वही अच्छा. द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा. प्रैग्मा का मतलब क्या है? एक्शन और अफेयर, मतलब कार्य से मतलब है. द ग्रीक हिस्टोरियन पॉलीबियस कॉल्ड हिज राइटिंग्स प्रैग्मेटिक, मीनिंग देयर बाई दैट दे वर इंटेंडेड टू बी इंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल टू हिज रीडर्स. यानी कि ग्रीक वैसे तो इसकी यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पत्ति हुई है, पर ग्रीक हिस्टोरियन ने भी इसको कभी यूज किया, प्रैग्मेटिक शब्द को कब यूज किया? जब वो चाहता था कि वो जो लिखना चाह रहा है वो रीडर्स के लिए यूजफुल हो. As the American psychologist and leading pragmatist William James remarked, the term is derived from the same Greek word pragma, meaning action, from which the words practice and practical come. यानी कि देखिए इसके कौन कौन प्रणेता हुए हैं? विलियम जेम्स, पियर्स और डीवी. तो जरूर ये यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न हुआ है, लेकिन ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है. पॉलीबियस ने कभी इसको अपनी राइटिंग में लिखा, फिर विलियम जेम्स ने कहा कि ये वही प्रैग्मा है जो एक्शन या अफेयर से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल भी है, वहीं से निकल के आया. कि मतलब हमारे लिए प्रैक्टिकल उसकी उपयोगिता हो, वो प्रैक्टिस करने योग्य हो. और फिर बाद में चार्ल्स एस पियर्स, एनदर पायनियरिंग प्रैग्मेटिस्ट, वो भी कहते हैं कि मे हैव बीन द फर्स्ट टू यूज द वर्ड टू डिजिग्नेट अ स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन. मतलब ये वो थे
उन्होंने पहली बार प्रैग्मेटिज्म को एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो प्रयोजनवादी हैं, जो व्यवहारवादी हैं, उनके लिए नॉलेज क्या है? नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इज ट्रू, जेन्युइन एंड वर्दी ऑफ एक्विजिशन। वो कह रहे हैं कि वो ज्ञान जो हमारे अनुभव पर आधारित है वही सत्य है, वही जेन्युइन है हमारे लिए, उसी का वर्थ है, उसी की कीमत है, वही उपयोगी है। सिंस दी फेनोमेना आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो नॉलेज एंड ट्रूथ मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली। इनके लिए इटर्नल वैल्यू कुछ नहीं है कि शाश्वत है, कि सच बोलना शाश्वत है, नहीं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि घटनाएं बदलती रहती हैं, इसलिए नॉलेज भी बदलती रहती है, सत्य भी बदलता रहता है। मतलब सत्य शाश्वत नहीं है, कोई ज्ञान शाश्वत नहीं है, सतत नहीं है। जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, वैसे वैसे ज्ञान बदल रहा है, सत्य बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वर्केबिलिटी, आज जो हमारे लिए वर्केबल है, हो सकता है कल ना हो। तो वो कह रहे हैं सिर्फ वही चीज सत्य है, वही चीज सही है, वही चीज जानने योग्य है जो वर्केबल है। तो चूंकि वर्केबिलिटी बदल रही है, इसीलिए ट्रूथ बदल रहा है, इसीलिए एम्स बदल रहे हैं, इसीलिए नॉलेज बदल रही है। ओके, द नॉलेज विच इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स इज मोस्ट प्रेफर्ड। कह रहे हैं ना कि वो ज्ञान जो आज की समस्या को हमारे सुलझाने में सहायक है, वो सबसे अच्छा है हमारे लिए। हो सकता है वो कल हमारी समस्या सुलझाना रहा हो, तो वो बेकार हो जाएगा। फिर कल कौन सा ज्ञान हमारे लिए अच्छा हो जाएगा जो कल की समस्या सुलझाएगा? प्रैग्मेटिज्म डज नॉट बिलीव इन स्टैंडर्ड परमानेंट एंड इंटरनल वैल्यूज। कह रहे हैं कि वो मानक, हमेशा रहने वाला और शाश्वत मूल्यों में प्रयोजनवाद विश्वास नहीं रखता है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, वैल्यूज डिराइव फ्रॉम द ह्यूमन कंडीशन। वो कह रहा है कि मूल्यों का उत्पन्न कैसे हुए? हमारी दशाओं के साथ। सॉरी, बिकॉज मैन इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस आर आइदर गुड और बैड अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट। कह रहा है कि चूंकि जो मनुष्य है वो समाज का अंग है, तो जो भी वो काम करता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस, जो भी वो काम करता है उसके परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो काम अच्छा है, रिजल्ट बुरा है तो काम बुरा है। इस तरह से काम चल रहा है इनका। इफ द कॉन्सिक्वेंसेज आर वर्थ वाइल, देन दी वैल्यू ऑफ द एक्शन इज प्रूवन टू बी गुड। वो कह रहा है अगर परिणाम सही निकल गया है, आपके काम का है, कुछ उसकी मूल्य है, कुछ उसकी वक्त है, तो आप उसको अच्छा मान लीजिए। दस वैल्यू इन इथिक एंड एस्थेटिक डिपेंड अपॉन द रिलेटिव सर्कमस्टेंसेज ऑफ द सिचुएशन एज इट अराइजेस, अल्टीमेट वैल्यूज के नॉट एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि इसलिए जो आपका मूल्य है, जो आपका सौंदर्यानुभाव, सौंदर्य एस्थेटिक सेंस है, जो उसका सौंदर्यात्मक पक्ष है, जो उसका मूल्य वाला पक्ष है, वो रिलेटिव है। यानी हमारे लिए हो सकता है सही हो, आपके लिए सही ना हो। ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए सही होगा। क्यों? क्योंकि सबकी दशाएं बदल रही हैं, सबके लिए यूजिबिलिटी अलग अलग है, यूजफुलनेस अलग अलग है, इसीलिए वैल्यूज भी चेंजिंग है। इसीलिए कोई वैल्यू ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती है प्रयोजनवाद के हिसाब से जो एब्सोल्यूट हो, जो अल्टीमेट हो, जो इटर्नल हो। ओके, तो प्रिंसिपल्स इनके क्या हैं, किस पर इनकी सारी फिलोसफी बेस्ड है? कि ट्रूथ इज एवर चेंजिंग, सत्य है जो हमेशा सतत बदलता रहता है। ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट, यानी कि जो परिणाम के हिसाब से सत्य निर्धारित किया जाएगा। परिणाम सही है तो बात सही है, परिणाम गलत है बात भी गलत हो गई। इम्फेसिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। आपको पता है कि डीवी साहब ने बहुत सोशल इनपुट पे काम किया है, इसलिए, और वो एक लीडिंग प्रैग्मेटिस्ट रहे हैं, इसलिए सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यू पर बल है। फिक्स्ड आइडियल्स और वैल्यूज का विरोध है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे इम्फेसिस है, मतलब उपयोगिता का सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन पावर की इंपॉर्टेंस है, कह रहे हैं मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, मनुष्य ही है जो सबका मापन करेगा, करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब अल्टीमेट एंड की बात नहीं है, आज हमारा जीवन और कल जो आने वाला जीवन है, सिर्फ उसकी बात है। रियलिटी इन मेकिंग, रियलिटी पर बल है। और फेथ इन फ्लेक्सीबिलिटी, मतलब रिजिड नहीं है, रिजिड होंगे तो फिर चेंज के हिसाब से कैसे चलेंगे? इनको तो हमेशा चेंज के हिसाब से वैल्यूज, ट्रूथ, नॉलेज सब बदलना है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, शिक्षा पर क्या कहता है प्रैग्मेटिज्म? कहता है कि एक प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, तो इसने शिक्षा को बहुत प्रभावित किया। कैसे? क्या कह रहे हैं कि एक्टिविटी को बेसिस बना लीजिए ऑफ ऑल टीचिंग एंड प्रिफर सेल्फ एक्टिविटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। आपको पता होगा कि डीवी के शिष्य हुए हैं किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड बनाया है, और प्रोजेक्ट मेथड क्या है? कोऑपरेशन बेस्ड एक्टिविटी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि या तो आप सब शिक्षण का जो आधार है वो एक्टिविटी बना लीजिए, या अगर कोऑपरेटिव एक्टिविटी चल रही है तो उसमें सेल्फ एक्टिविटी का कंसेप्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साथ वाले कर रहे हैं। दे वॉन्ट दैट एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू वन्स एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटीज। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के एप्टीट्यूड और
मतलब अभी क्षमता योग्यता के अनुसार से हो. इंडिविजुअल मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड एजुकेशन शुड बी प्लान टू केटर टू हिज इंक्लिनेशन एंड कैपेसिटीज. वो कह रहे हैं कि यहाँ भी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान दिया जा रहा है और एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि हर बच्चे की इंक्लिनेशन और कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित की जाए. बट इंडिविजुअल डेवलपमेंट मस्ट टेक्स प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट. फिर सोशल कंटेक्स्ट आ गया, आप सोशल कंटेक्स्ट को दरकिनार नहीं कर सकते. वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का विकास है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, सामाजिक ढांचे के साथ चलना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका विकास हो रहा है समाज का नहीं हो रहा है. द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इज टू टीच वन हाउ टू थिंक सो दैट वन कैन एडजस्ट टू एन एवर चेंजिंग सोसाइटी. वो कह रहा है कि शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य इतना है प्रयोजनवाद के हिसाब से कि आप बच्चे को इतना सिखा दीजिए कि वो बदलते हुए समाज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके. द चिल्ड्रन शुड नॉट बी आस्क्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल्स. इसमें कोई पूर्व निर्धारित गोल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति सबका मेजर कर रहा है. क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका उसका वर्थ, उसके लिए क्या अच्छा, ये अलग है. इसलिए आप पहले से कुछ निश्चित नहीं कर सकते. व्यक्ति निर्धारित करेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और वही उसका मूल्य हो जाएगा. दे शुड डिटरमाइन देयर गोल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड इन कन्फॉर्मिटी विद द डिमांड्स ऑफ द एक्टिविटीज दैट दे हैव अंडरटेकन. समझ में आया ना? फॉर देम द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ सोशल प्रोसेस वेयर द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बिटवीन द टीचर एंड द टॉट टेक्स प्लेस. वो कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिष्य मिलकर आपस में एक दूसरे से अनुभवों का शेयरिंग करते हैं. करिकुलम पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? डीबी ने अपनी किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट और इनकी फेमस किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसमें लिखा है तीन लेवल के करिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की है. पहला मेकिंग एंड डूइंग, दूसरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तीसरा ऑर्गेनाइज्ड साइंसेस. मेकिंग एंड डूइंग में क्या है, इसमें आप एक्टिविटी कराइए, प्रोजेक्ट कराइए बच्चे को एक्सपीरियंस के हिसाब से. सेकेंड लेवल करिकुलम हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों लिया डीबी ने, वो कहते हैं कि ये दो हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं. हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या करते हैं, ये हेल्प्स इन इनलार्जिंग द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द चाइल्ड्स टेम्पोरल एंड स्पेशियल एक्सपीरियंस फ्रॉम द इमीडिएट होम एंड स्कूल एनवायरमेंट्स टू दैट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि इतिहास और भूगोल पढ़ने से हमको विश्व के समुदाय के और मतलब लार्जर कम्युनिटी से हमें एकीकरण करने का मौका मिलता है, इसलिए ये बच्चे को पढ़ाना चाहिए. और ऑर्गेनाइज साइंसेज में कहते हैं, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट्स में, कि आप साइंसेज पढ़ाइए, है ना, और उनके हिसाब से कि करिकुलम कैसा हो, ब्रॉड हो, डाइवर्सिफाइड हो, उसमें प्रोसेस भी हो, कंटेंट भी हो, प्रैक्टिस भी हो, एक्टिविटी भी हो, यूजेबिलिटी भी हो, यूटिलिटी भी हो, ये सब कुछ हो इन अकॉर्डेंस टू प्रैग्मेटिज्म, है ना, कि जो भी बच्चे के काम का हो वो सब उसके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए. यानी उपयोगिता सबसे जो की वर्ड है प्रैग्मेटिज्म का, प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सिद्ध होना चाहिए. ओके, टीचर नेचुरलिज्म में टीचर की कोई जरूरत नहीं थी, आइडियलिज्म में टीचर ही सब कुछ था, लेकिन प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि ना तो टीचर को आप सिर्फ स्पेक्टेटर बना दीजिए जैसे कि नेचुरलिज्म में, ना आप उसको आइडियलिज्म की तरह इतना महान बना दीजिए, बल्कि क्या करिए आप कि टीचर इज नॉट अ डिक्टेटर और टास्क मास्टर बट अ लीडर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज. आप बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसका लीडर होना चाहिए टीचर को. वो क्या कर सके, बच्चे को प्रॉब्लम दे, उसको स्टिमुलेट करे कि वो उसका सोल्यूशन पा सके. टीचर्स ऑट नॉट टू ट्राई एंड पोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इन टू द प्यूपल्स बिकॉज वॉट प्यूपल लर्न्स डिपेंड्स अपॉन हिज ओन पर्सनल नीड्स इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स. क्योंकि ये भी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे को आप पोर मत करिए, उड़ेलिए मत उसमें ज्ञान, बल्कि उसको खुद सीखने दीजिए अपनी इच्छाओं के, रुचियों की, आवश्यकताओं के, समस्याओं के हिसाब से. डीबी व्यूज द टीचर एज अ रिसोर्स पर्सन हु गाइड्स रादर देन डायरेक्ट लर्निंग. डीबी कहते हैं कि शिक्षक ऐसा हो, ऐसे रिसोर्स पर्सन के रूप में हो जो बच्चे को निर्देशित करे, जो बस गाइड करे, उसको डायरेक्ट ना करे. गाइड्स रादर देन डायरेक्ट, उसकी लर्निंग को सिर्फ दिशा दिखाए, डायरेक्ट ना करे, गाइड करे, जहां जहां उसको भटक रहा है उसको उसको सही कर दे, लेकिन उसको बताए नहीं कि ऐसे ऐसे चलो, वो बच्चा अपने हिसाब से चलेगा. डिसिप्लिन क्या होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, ये कह रहे हैं कि डज नॉट बिलीव इन द ट्रेडिशनल मैक्सिम वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले. ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मत करिए कि काम के समय सिर्फ काम करो, खेल के समय सिर्फ खेल करो, बल्कि रादर इट एडवोकेट्स अ डिसिप्लिन दैट कैन बी मेंटेन थ्रू प्ले एज वर्क. वो कह रहे हैं कि खेल को भी काम की तरह करे, ऐसा डिसिप्लिन बच्चे में हो. कैसे होगा ऐसा, वो कह रहे हैं कि आप रादर दे बिलीव इन द पर्पसफुल कोऑपरेटिव एक्टिविटीज कैरीड ऑन इन ए फ्री एंड हैप्पी एनवायरनमेंट. मतलब कोऑपरेशन से चल रहा है, फ्री एनवायरनमेंट है, हैप्पी है. हम ना उसको बहुत ज्यादा हमने खुला छोड़ रखा है, ना हमने उस पर बंधन बना रखा है. नेचुरलिज्म ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया, आइडियलिज्म बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एक कोऑपरेटिव
हैप्पी एनवायरनमेंट में बच्चे का डिसिप्लिन मानते हैं. कंट्रोल कम्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्ड एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व्स वर्किंग विद द फेलो मेट. वो कह रहे हैं कि कहाँ से डिसिप्लिन निकल के आएगा कि हमको मिलजुल के काम करना है, हमारा काम है, वी फीलिंग के संग, कोऑपरेशन के संग अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा. और मेरिट्स और डीमेरिट्स, बहुत सारे बढ़िया मेथड हमको प्रैग्मेटिज्म ने दिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, है ना, क्रियाशील रहे बच्चा, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाइए, वैल्यूज इन अप्लाइड लाइफ, यानी कि जो एप्लीकेबल है वही वैल्यू हमारे लिए सही है. सोशल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात की, प्रोग्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की बात की, जो अमेरिकन एजुकेशन है उसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं, है ना. तो डीवी और इन सब लोगों ने बहुत प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है, लेकिन तब भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं प्रैग्मेटिज्म में. क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं करता, ये एंड ऑफ द लाइफ मतलब हमारा अंतिम अनंतिम मूल्य क्या होना चाहिए उसकी बात नहीं करता. इंडिविजुअल डिफरेंस पे बहुत ज्यादा इम्फेसिस है, कोई एम है ही नहीं शिक्षा का. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आपका रोज के हिसाब से, रोज जरूरत बदलेगी, रोज एम बदलेगा, है ना, आपके लिए जो अच्छा है वही आपका एम है, इस तरीके की बातें हैं. बहुत मेटीरियलिस्टिक बायस है और नॉट एक्सेप्टिंग ट्रुथ टू बी परमानेंट. ट्रुथ को भी ये परमानेंट नहीं मानते. क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से ट्रुथ डिसाइड होगा. अगर कॉन्सिक्वेंस सही है तो बात सही है, कॉन्सिक्वेंस गलत है तो गलत है, तो ऐसा तो नहीं होता है. लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग फिलोसफी है. पर चूंकि 10 से 15 मिनट में सिर्फ आपको बताना होता है, इससे ज्यादा में आप बोर हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं, तो एक जिस्ट देने के लिए सबसे खास बात कि प्रयोजन, प्रयोजनवाद का मतलब कि वो फिलोसफी, वो आइडिया अच्छा है जो हमारे लिए प्रयोज्य हो, हमारा प्रयोजन सिद्ध होता हो, जिससे हमारे लिए उपयोगी हो, व्यवहारिक हो, वही प्रयोजनवाद के हिसाब से सही है, वही उनका ट्रुथ है, वही ब्यूटी है, वही गुडनेस है. ओके, so I have completed this one too. Okay, शायद last slide इसमें missing है. Okay, it's okay, no problem at all. Okay, so I have completed this one, pragmatism 2. So don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from myself.